नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बहुत ही यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में, जिसका यूज़ करके आप बहुत तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, जो पांच वेबसाइट है इनका यूज़ करके बहुत कुछ सीखने में। एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या आप इसमें सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कौन सा सबसे अच्छा आपको इस पांचों में से लगा। और फाइनली, अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये चैनल नया खुला हुआ है। ठीक है, चलिए एक शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बुक मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है वी ट्रांसफ़र। शायद बहुत लोग जानते भी हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कि आप 20 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आप 20 GB भेजना चाहते हैं तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री वर्जन के साथ अगर आप चाहें तो 2 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि अगर आप अपने जीमेल आईडी से कुछ फाइल भेजना चाहते हैं तो सिर्फ 25 MB तक का फाइल ट्रांसफ़र करने की आपको जो है नॉर्मल फ्रीडम मिलता है। सिर्फ 25 MB तक का ही फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे तो आप इसमें 2 GB डेटा फ्री में भेज सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई प्लान लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 GB काफ़ी ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है अगर आप किसी तरह का फाइल सेंड करना चाहते हैं तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल में 2 GB का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। आप बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं एक बार में। और चाहे तो आप मूवीज़ भेज सकते हैं, 2 GB से कम की मूवीज़ किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी तरह का वीडियो सॉन्ग भेज सकते हैं, गाने भेज सकते हैं, हर एक फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका यूज़ करना है। सबसे पहला ऑप्शन, जिसे आप इसको वी ट्रांसफ़र जो ये लिंक है इसको ओपन करेंगे आप, इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपके सामने, जिसमें कि बहुत सिंपल इंटरफेस है। पहला है जिसमें कि आप ऐड फाइल का ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके अपने वेबसाइट ड्राइव में जाके देख सकते हैं कौन सा आप फाइल सेंड करना है, कहाँ से आपको फाइल सेंड करना है। तो आप अभी मैं फिलहाल एक कोई वीडियो सॉन्ग का ले लेता हूँ, जिसमें कि आप वीडियो सॉन्ग भेजना चाहते हैं। जैसे कि 100 MB का फाइल है, ये लगभग 100 MB का फाइल है, इसको आप आसानी से भेज सकते हैं। 99 MB इसका साइज बता रहा है। तो इसको मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये फाइल हो गई है सेलेक्ट। अब यहाँ पे ईमेल टू, मतलब जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और तो मैं लिख देता हूँ फिलहाल इसके लिए, आपके लिए डेमो के लिए, ये हो गया। और ये आपकी ईमेल आईडी होगी जो कि भेज रहा है उसका, मतलब टू और फ्रॉम है। और यहाँ पे कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं, हाय प्लीज डाउनलोड द फाइल और सॉन्ग, जो भी है आपका। ये आप बस इतना ही करना आपको। जैसे फाइल अटैच करेंगे, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1.9 GB अभी भी रिमेनिंग है। अभी भी आप इसमें 1.9 GB और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से आप जाके इस तरह से सेलेक्ट करके आप बहुत सारे सॉन्ग्स भेज सकते हैं। अभी बता रहा है 1.2 GB रिमेनिंग है। तो इस तरह से आप बहुत सारी फाइल्स को ऐड करके एक साथ में भेज सकते हैं। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपके मेल आईडी जो भी उसने भेजा हुआ उस मेल आईडी पे वो चला जाएगा। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए आपको मैं निकाल दे रहा हूँ। 100 MB का फाइल आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कैसे आप भेज सकते हैं 100 MB की फाइल। ये 99 MB वाली अभी भी इसमें अटैच है, इसको ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जब ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा और ये धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। जैसे 3 MB, 3.5 MB अपलोड हो रहा है। जैसे 99 MB अपलोड हो जाएगा तो ये सेंड कर देगा आपको। तो इसको अभी चलने देते हैं, जब फाइनली हो जाएगा तो लास्ट में दिखाऊंगा कि फाइल सेंड हुई है नहीं हुई है, मैं आपको अपने जीमेल आईडी में खोल के दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरी वेबसाइट जो है वो है आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या फिर किसी को सिखाना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। तो एज यहाँ पे आपको स्टूडेंट और टीचर दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप सिखाना चाहते हैं तो टीचर पे जाइए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट पे जाइए। तो जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले लॉगिन बनाना पड़ेगा अपना। छोटा सा प्रोसेस है, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, ईमेल अपना डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यूजर नेम में अपना लिख देता हूँ, दिलीप KR 324 234। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ। ठीक है, क्रिएट फ्री अकाउंट, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 2 मिनट में क्रिएट हो जाएगा आपका। ये आपका ईमेल आईडी बन गया और पासवर्ड हो गया, इसको सेव कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही आसानी से आपको एक एक करके बताएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस और प्रैक्टिस है। बिगनर में क्या करेगा, आपको सबसे पहले सारे की जो है एक एक करके कीज के बारे में आपको सिखाना शुरू करेगा। ए से लेकर जेड तक का की जो है आपको सिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ कि कौन सा की, पहला वाला जो है ये जे एफ पे फोकस कर रहा है, जे और एफ पे फोकस कर रहा है। तो जैसे आप जे एफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि बताएगा कि आपको आपका जो फिंगर्स है वो किस पोजीशन में रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली उंगली पे कह रहा है जे को रखना है। तो इस तरह से आपको पोजीशन अपने कीबोर्ड पर रखना है।
रखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जब देखिए दोनों हाथ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे जे हाईलाइटेड है और इस फिंगर पे हाईलाइट दिया, मतलब इस फिंगर से आपको जे प्रेस करना है। तो मैं अभी फिलहाल डेमो को लिख करके दिखाता हूँ आपको, जे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ जो है वो निकल रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपने किया तो ये बता रहा है 18 वर्ड पर मिनट का स्पीड है आपका, 100% एक्यूरेसी और टाइमिंग इतनी है, प्रॉब्लम मतलब आपने गलतियां कुछ भी नहीं की हुई है, ठीक है। अब इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या करें कि दूसरे लेटर पे, यहाँ पे आप देखें स्पेस बार का यूज़ करना सिखाया गया, जैसे कि आप जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको स्पेस बार मारना है, तो यहाँ पे स्पेस बार और फिंगर्स जो भी है वो फिंगर आप देख सकते हैं कौन कौन से फिंगर से आपको, जैसे अंगूठे से स्पेस दबाना है, तो इस तरह से करके आपको ये पूरा पूरा चीज़ सिखा देगा इसमें। अब बैक टू लेसन जाइए, जब जब आपका बिगिनर पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप इंटरमीडिएट में जाइए। इंटरमीडिएट में क्या करेगा, आपको छोटे छोटे वर्ड जो है 3 3 डिजिट के वर्ड्स, 4 डिजिट के वर्ड्स को आपको सिखाना शुरू करेगा ये, जैसे कि छोटा जैसे ऐड, ADD ऐड स्पेस, सॉरी ADD ऐड किया स्पेस दबाए ALL दबाए, तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड सिखाना शुरू करेगा आपको। उसके बाद जैसे आप उसके बाद बिगनर से एडवांस बताएंगे तो आपको एक छोटा छोटा लाइन्स देगा लिखने के लिए कि इस पूरे लाइन को लिखिए जो भी आपका जो एक प्रॉपर रहेगा, तो द ऑफ टू एंड ए इस तरह का कुछ प्रैक्टिस कराएगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब कि आप इस पे जाके पूरी तरह प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं इसको, और इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट आपको, आप यहाँ पे आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं तीसरे वेबसाइट की तरफ। तीसरा वेबसाइट जो है हमारा है वो है CY मैथ्स करके एक वेबसाइट है। ये सारे URLs को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वगैरह है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 9th 10th 8th, या भी जो भी 10th लेवल तक का, इंजीनियरिंग लेवल तक का मैथमेटिक्स का, इसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसमें आपको, 25 × 98 965 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट किया 898 × 78 किया ब्रैकेट डाला माइनस इतना किया 1.5 किया, ठीक है। सपोज कि ये आपका इक्वेशन है एक, इसको आप सर्च करेंगे इस तरह से, जैसे आप सर्च करेंगे आपको फाइनली यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, आपको कितना इसका आंसर है बहुत ही आसानी से, और बाकी जो स्टेप्स जो है किस तरह से इसने सॉल्व किया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सिंप्लीफाई किया हुआ है वो आपको बताएगा। ये हो गया एक नॉर्मल। इसमें क्या है, इसमें और भी जैसे कि मैंने बताया इंजीनियरिंग में जो भी जो मैथ्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका जो साइन इस तरह का जो है, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, इस तरह के कुछ इक्वेशंस हैं, इसको आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, 1 − cos 90 डिग्री, 1 − 0 = 1, तो फाइनल सोल्यूशन इसका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ा सकते हैं इससे, कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इसका आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा वेबसाइट जो हमारा है, ये चौथा है PDF से रिलेटेड है। अगर आप किसी तरह का ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से आप जाके अपना ई बुक किसी भी तरह का ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं यहाँ पे, इस कैटेगरीज में जाके आपको ढूंढना है कि कौन से कैटेगरी का बुक आपको चाहिए। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, टेक्नोलॉजी में जैसे जाएंगे आपको सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी आपको, जैसे PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 की आपको मिल जाएगी, वेब डिजाइनिंग की मिल जाएगी, सर्टिफाइड हैकर्स जो भी हैं उनके बुक्स कुछ मिल जाएंगे आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है जो आजकल बहुत ही पीक पे चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस जो अब सपोज कि आपको सोशल मीडिया बुक मार्किंग ये मार्केटिंग की जो साइट से ये बुक चाहिए आपको, तो इस पर क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं एक बार कि कैसी बुक है, वहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे ये फाइल जनरेट होगी रिमोटली, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये साइज़ के ऊपर है, बुक कितना बड़ा है, उसकी साइज़ क्या है, वेरीफाइड है, स्कैनिंग फॉर वायरस एंड ऑल, ये सेफ्टी के लिए स्कैन कर रहा है, और उसके बाद ये फाइनली आपकी बुक जो है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड नहीं हुई तो आप गो टू PDF पे क्लिक कर देंगे, जैसे गो टू PDF पे क्लिक करेंगे ये बुक PDF में यहाँ पे लोड हो जाएगी, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर उसको। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे बुक्स को आप देख भी सकते हैं क्या क्या है इसमें क्या नहीं है, आपको सही लगता है अच्छा लगता है तो आप इस बुक का यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और फाइनली यहाँ से डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो अपना पाथ दे दीजिए, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा बुक, ठीक है, और ये बुक डाउनलोड हो गई। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको चाहिए हो
यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पांचवी जो वेबसाइट है वो है हमारा लर्निंग के लिए है। अगर आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज के लिस्ट मिलेंगे इस तरह का, इसको खोलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज चूज करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी दो किया था, ऐड न्यू कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस बताएगा ये कि कौन कौन सा लैंग्वेज सीखना है। जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन, रशियन, पुर्तगीज, जो भी है, डच, टर्कीज, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनको आप सीख सकते हैं, बैठ के बेसिक लेवल पे सीख सकते हैं। अगर आप ऑनशोर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो है इसका आप वर्ड्स को आप लिख के ले आ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसका आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं स्पेनिश पे दिया था तो स्पेनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रो है और प्लेसमेंट टेस्ट है। तो पहले सबसे पहले आप शुरू कीजिए कि इंट्रो से मतलब बेसिक्स जो है वहाँ शुरू कीजिए कि द बॉय, मतलब द बॉय का मतलब क्या होता है, इसमें बॉय कौन है। जैसे इमेज से देख के आपको फिगर आउट करना है कि बॉय कौन है, जैसे कि ये बॉय है, इसका इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसको इन लीनो करके जो है उसको याद रखिए आप। तो आपको इसका एक सेंटेंस बनवाया है। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसको आप कोई भी वर्ड याद करना है तो उसको आप एज ए सेंटेंस यूज़ कीजिए, तब आपको दिमाग में वो चीज़ आपके बैठ जाएगा। और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। द बॉय में आपने देख लिया, यहाँ पे द मैन, मैन में यहाँ पे ये मैन है, हम्बर, हम्बरी, इल हम्बरी, ये हो गया द बॉय, द मैन हो गया, शिट, व्हाट इज दैट, एंड कंटिन्यू कीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि अब आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ पे बताइए कि क्या लिखा हुआ है ये। तो हम्बरी मतलब द मैन होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब ई एल में क्या है, द मैन, द वुमैन, इस टाइप का कुछ होगा। तो द मैन, द वुमैन, माइलवी से ये अब आपको देखिए, द मैन द वुमैन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है लैंग्वेज सीखने की, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा चीज़ यहाँ से सीख के आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमारा फाइल ट्रांसफर हो गया, फाइल हमारी हो गई है ट्रांसफ़र। अब आप इसको जाके देख सकते हैं अपने जीमेल आईडी पे। तो चलिए अपने चलते हैं हम जीमेल आईडी पे, जो मैंने अपना आईडी स्पेसिफाई किया था। आया है कि नहीं फाइल अभी वो हमारे पास, जो सॉन्ग मैंने भेजा था, वी ट्रांसफ़र से दो फाइलें आई हैं मेरे पास। और यहाँ पे लिप्ट ये मैंने जो अपने मेल आईडी से लिखा था कि भेजने के लिए, और जो सब्जेक्ट लाइन मैंने कहा था फाइल वे वी ट्रांसफ़र, और ये रहा लिंक जिसको आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक सॉन्ग मैंने जो भेजा था ऋतिक का, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये सॉन्ग आपकी यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई हमारे फाइल में। तो ये थे वो पांच यूजफुल वेबसाइट जिनका यूज़ करके आप सीख सकते हैं कुछ काम की चीज़ें, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कलेक्शन है, इसको आप यूज़ कीजिए, दूसरों को बताइए कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया आया हुआ हमारे चैनल पर। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।